काम्या जी, अब पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूज में। थैंक यू। जी मैम, और रूबीना फाइनली विनर बन चुकी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात तो है ना, ये मुझे बहुत वॉनबी लगता है, इसलिए मैं इंटरव्यूज नहीं देती हूँ जी कि गेम किसकी जीता कौन, और हम यहाँ बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं। जी जी जो भी करने होते हैं एक्चुअली, जो भी है सोशल मीडिया पे वी एक्सप्रेस व्हाट यू फील। भैया मैं ये कहना चाहूंगी कि इस दिन केम एज अ सरप्राइज टू मी और एज अ शॉक टू मी और एज अ कि ओ माय गॉड सीन पलट गया, ओ माय गॉड रूबीना क्यों, ऐसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत टाइम से ऐसा दिख ही रहा था कि शी इज विनिंग। जिस तरीके से गेम जा रही थी, जिस तरीके से चीजें हो रही थी, यू नो इट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस, इट वाज मतलब वो ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं था इस सीजन में कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अगर आपने मेरा ट्विटर फॉलो किया होगा तो उसमें आपको दिखा होगा कि मैंने बहुत पहले से ही कह दिया था कि रूबीना इज विनिंग, और बहुत मतलब ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है हमेशा कि शी इज विनिंग, शी इज विनिंग। इनफैक्ट राहुल महाजन ने जब राखी के लिए कुछ गंदा लिखा था, तब मैंने वहां पे भी मैंने उसको किया कि तुम चिल करो ना, वी ऑल नो दैट रूबीना इज विनिंग, तो राखी को भी अपने शेयर ऑफ क्रेडिट लेने दो ना, शी इज एन एंटरटेनर विच वी कैन नॉट चेंज, इट्स द फैक्ट एंड वी नथिंग एंड नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हर। सो तो मुझे मुझे ये पता था, यू नो वो सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी देखने की जरूरत थी, तो आई डोंट नो, इट वाज वेरी ऑब्वियस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट शी इज विनिंग, एंड बस मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि बिकॉज शी हैड दैट कांस्टेंट सपोर्ट इन द गेम जो किसी और के पास नहीं था, उस बेसिस पे मुझे लगा था कि कहीं सीन पलट ना जाए, कि शायद ऐसा हो सकता है कि सोलो खेला है राहुल ने, यू नो शायद वो जीत जाए, बट इट्स ओके, सपोर्ट और नो सपोर्ट, इट वाज ऑब्वियस दैट शी विल विन। और काम्या हैप्पी फॉर हर। जी काम्या जी, ये भी कहीं ना कहीं बाहर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फिक्स्ड विनर है, कलर्स का फेस है, ये सारी बातें चल रही हैं, पब्लिक विनर राहुल ऐसी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने भी ये बहुत सारी जगह पे देखा, ये हर साल करते हैं लोग, यू नो जो जीता है उसके ऑपोजिशन के लिए वाले बोलने लग जाते हैं, यू नो फिक्स्ड विनर फिक्स्ड विनर। बट एक दो चीज मैंने जो देखी वो कलर्स फेस वाली देखी, कि यू नो दीपिका जीती, फिर सिद्धार्थ जीता, फिर देन अब ये रूबीना जीती, यू नो तो मैं इस पे कमेंट करने वाली कोई नहीं होती हूँ, एंड आई डोंट नो, यू नो ये चीजों में मैं, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं बोलूंगी भी नहीं, अजम्पशंस पे आई वुड नॉट लाइक टू टॉक, बट हाँ अगर ये बोला गया तो ये थोड़ी सोच में मैं भी आ गई, बट यस आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। बट या रूबीना जीत रही है, ये बहुत ऑब्वियस था, कम ऑन आपको नहीं लगा था? जी जी इट वाज देयर, इट वाज क्लियर, यस। और काम्या जी अगर बात करो एलिगोनी की, तो सब एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो टॉप थ्री में आएंगे या टॉप टू में भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निकी टॉप थ्री में चली गई, तो ये इस पर क्या था आपका टेक? ये एक्चुअली शॉकिंग था, ये एक चीज थी जो शॉकिंग लगी मुझे भी कि अरे माफ मतलब अली निकला निकी ये पहले जी, कि मुझे तो यही लगा था कि निकी रूबीना ने उसे फिनाले में लेकर आ गई, यही है, बाकी तो मुझे नहीं लगा था कि वो आगे जाएगी। बट जैसे कि निकी के बारे में कहते हैं कि उसकी सेटिंग है, तो क्या पता शायद जनता के साथ सेटिंग हो, और यू नो तो यस, ये जैसे कि सलमान ने भी कहा कि यू नेवर नो विद दिस गेम, यू नो आपकी जर्नी कैसी रही उससे ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है, ये सलमान ने खुद कह कर दिया कल के एपिसोड में जी के, तो यस डेफिनेटली अली की जर्नी निकी से ज्यादा अच्छी रही है, क्लीन रही है, बट एज दे से यू नो आपका पीआर कितना स्ट्रांग है, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी स्ट्रांग है, उस पे आपको जज किया जाएगा, ना कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और आपने कितनी अच्छी गेम खेली, कितनी क्लीन खेली और कितनी पावरफुल खेली उससे, वो दैट डजंट मैटर इन दिस गेम एनीमोर। जी और राहुल वैद्य को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उन्हें विनर मानी क्योंकि उन्होंने लोगों का दिल भी जीता है। जी मैं भी मानती हूँ जी, यू नो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल वाज द फुल पैकेज जी,
उनके वन लाइनर्स भी बहुत बढ़िया आते थे, उनकी सिंगिंग बहुत ही कमाल की, उन्होंने स्टैंड भी लिए अपने लिए, वो गंदगी पे भी नहीं उतरे, वो गंदी गाली गलोच उन्होंने नहीं की, ना कोई हाथापाई की है, ना वैसा कोई एग्रेशन दिखाया, उन्होंने स्टैंड लिया है। एक ऐसा टाइम था जब बहुत अकेले भी थे घर में, बट देन यू नो ही स्टूड स्ट्रॉन्ग फॉर हिमसेल्फ, एंड जहाँ लोग उन्हें ये कहते हैं कि भगोड़ा भगोड़ा, जो मैंने ट्विटर पे देखा सोशल मीडिया पे, यू नो आई वुड ऑन दैट आई वुड वांट टू से कि एक इंसान जो दिल का सच्चा है और जो सिर्फ दिल की सुनता है ना, वो ही ऐसा कदम उठा सकता है कि जो एक कंपटीशन को ऐसे मोड़ पे छोड़ के जाए जहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको नहीं पता था कि सपोर्टर्स आ रहे हैं क्या है, उनके लिए तो वो फिनाले था। एग्जैक्टली तो एक ऐसा मोड़ जहाँ पे वो गेम को छोड़ के जाए, एक कनिंग और दिमाग वाला इंसान ये नहीं कर सकता। ये दिल से जो सोचता है और जो इमोशनल इंसान है, जो दिल का सच्चा है, वही ऐसा कर सकता है। जी जी, तो मैं यहाँ से मुझे राहुल की एक अलग पॉजिटिव, मतलब इस चीज से मुझे राहुल क्विटर या लूजर नहीं लगा, मुझे वो बहुत सच्चा और अच्छा इंसान दिखा। सो यस, बट जैसे कि बिंदु जी ने जाकर कहा था कि राहुल तेरी तेरा माइनस पॉइंट यही है कि तू बाहर निकला और 10 दिन के बाद आया वापस अंदर, तो वो 10 दिन तू नहीं गेम था, गेम में था। तो इफ दैट इज द फैक्ट, you know, कि you have to stay inside to win throughout. I mean, if you like Rubina, जो day one से अंदर थी, which is commendable. Yes, I also feel कि यार फिर तो जो day one से अंदर आ वो जीतना चाहिए. But then, अगर ऐसा है, तो why get these supporters and challengers and wild cards? You know, for that is like playing with their game and playing with their emotions. जी जी. कि अगर अंदर throughout रहने वाला ही जीतता है. जी मैं. तो but otherwise राहुल की गेम वाज ब्लोइंग सुपर, ही इज अ विनर, ही इज डेफिनेटली अ विनर। अगर अगर ये डिसीजन वो नहीं लेते तो उनके चांसेस ज्यादा होते जीतने के। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अगर इस बेसिस पे राहुल को नहीं जिताया है तो फिर 1000% अगर वो अंदर रहते तो थोड़ी मुश्किल होती रवीना के लिए। जी मैम, ये भी जानना चाहूंगी कि अभिनव की अगर बात करें तो उनका एविक्शन ऑब्वियसली शॉकिंग था, और जब अभिनव बाहर आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पर स्टेज पर रुबीना और वो रहे, पति पत्नी एक साथ खड़े रहे टॉप टू में। तो क्या आप भी ये देख रही थी अभिनव को टॉप टू में? नहीं, मेरे टॉप टू हमेशा से यही थे, राहुल एंड रुबीना। बट देर वॉज अ स्टेज, देर वॉज अ पॉइंट जहाँ पे मुझे ये लगा था कि अभिनव कैन विन, तो फिर तब उस वक्त सब ब्लर हो गए थे। इट वॉज ओनली अभिनव जो मुझे डेफिनेटली लगे थे, क्योंकि पहले उसके उसे जो लोग कहते थे कि तुम तो बीवी का पल्लू पकड़ के आगे बढ़ रहे हो, बीवी का पल्लू पकड़ के आगे बढ़ रहे हो, कुछ हफ्तों तक ऐसा लग रहा था जनता को कि ये नहीं कर रहा कुछ, ये बोरिंग है, ये नहीं कर रहा कुछ। बट वो फालतू के पछड़े में नहीं पड़ते थे, वो बेकार के झगड़े क्रिएट नहीं करते थे, इसलिए वो ऐसे लग रहे थे कि वो बीवी का पल्लू पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। बट हमने कई बार बहुत जगह देखा है कि अभिनव रुबीना को बहुत जगह समझाते हुए नजर आए हैं कि ऐसा मत कर, ऐसे रिएक्ट मत कर, ये वर्ड यूज मत कर, ये ऐसी जबरदस्ती लड़ाई मत कर, वो नजर आए हैं। तो मुझे उसके बाद बहुत सारी जगह जब मैं भी अंदर गई थी तो मैं अभिनव को ये कहकर आई थी कि यू आर डूइंग टू वेल एंड यू कैन विन, ये मैं कह आई थी उनसे। तो मुझे अभिनव मेरे फेवरेट रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभिनव जीत सकते हैं। मैं उनको टॉप टू क्या, मैं उनको एज अ विनर देख रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो बाहर निकले, आई वाज वेरी 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 अपसेट। मैंने बहुत सारे ट्वीट भी किए थे, ये जो कुछ सपोर्टर्स गए थे ये उनका नजरिया, इसको जनता के नजरिया को का नाम मत दो, ये जनता का नजरिया नहीं है, क्योंकि अगर जनता का होता तो जनता इसको बहुत पहले वोट आउट कर चुकी होती। जी। तो कुछ लोग और कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी इंसान को गेम से बाहर निकालता है, दैट्स बीन वेरी 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 अनफेयर, इट्स बीन अनफेयर। एंड मुझे ये
अभिनव का एविक्शन मुझे बहुत ही अनफेयर लगा, मुझे बहुत ही गंदा लगा एंड मुझे बहुत बहुत बुरा लगा मुझे अभिनव के लिए, बिकॉज आई वॉज आई सॉ हिम एज अ विनर, आई डेफिनेटली सॉ हिम एज अ विनर, क्योंकि एक अकेला इंसान जिसने कोई गाली गलौज गंदगी नहीं की. यस, देखो घर ऐसा है, गलत कभी ना कभी हर कोई जाता है, वी कैन गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, बट यस अभिनव की गेम भी बहुत क्लीन और बहुत अच्छी थी एंड आई सॉ हिम एज अ विनर. सो उसका जो एविक्शन था मुझे मुझे बहुत गंदा लगा, मुझे लगा कौन कर रहा है ये जैस्मिन और ये जान, बिकॉज आई कैन स्टिल थिंक कि यू नो ही इज बीन अ विनर और हमेशा उनके हर सीजन में उनके पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, देखने लायक होते हैं, बट स्टिल डू यू हैव नो राइट टू डू दिस, यू नो जो इंसान से अंदर है और अच्छी गेम खेल रहा है. Exactly. आज जस्ट बिकॉज आपको ये देखना है कि रुबीना की गेम कैसी होगी अभिनव के बिना, इसलिए आपने अभिनव को निकाल दिया. And anyway, basically it was too late for that, no? Exactly. We had already reached the end of the season. True, ma'am. True, ma'am. So किसी एक की गेम देखने के लिए किसी और को बलि क्यों चढ़ाना? जी सही सही बात कही आपने. और मैम आखिरी क्वेश्चन में ही जाना चाहूंगी, जैसे फैंस भी बाहर कह रहे हैं जब रुबीना और अभिनव का जो स्पेशल डेट हुआ था और जिस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें कर रही थी कि हम ये नहीं करेंगे, तुम्हारी ये पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आपको लगता है कि एग्जाम्पल सेट किया है अपने रिलेशनशिप के हर पहलू को रख के कि टूटते हुए फिर अब एकदम स्ट्रॉन्गर बन के सामने आ गए हैं? यार ये चीज ना हर दूसरे घर में होती है, हर हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई होती है और हर हस्बैंड वाइफ हर दूसरे दिन पैकअप करते हैं और प्रॉमिसेस करते हैं एक दूसरे को. तो मैं इसके लिए नहीं कहूंगी कि एग्जाम्पल सेट किया, बट मैं जरूर उनके लिए दुआ करूंगी कि वो हमेशा खुश रहे और एक दूसरे से बहुत 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 प्यार में रहें. एग्जाम्पल सेट तो मैं कहूंगी कि हर हाउस वाइफ करती है और हर मैरिड कपल करता है. जी तो और उनकी पर्सनल लाइफ पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी. ओके मैम, नो प्रॉब्लम मैम. जाते जाते क्या कहना चाहेंगी फैंस जनता को जो आपको पसंद कर रहे हैं? ये कहूंगी कि ये सीजन खत्म हुआ, अब नेक्स्ट सीजन में आना और इस बार ट्रोल करने के लिए थोड़े से अलग स्टेटमेंट और अलग वर्ड और अलग बहाने लेके आना. जिस तरीके से वो लोगों को गालियां देते हैं और डिग्रेड करते हैं और ट्रोल करते हैं ना, तो गेट समथिंग न्यू, यू नो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन गेट समथिंग न्यू. काम नहीं है इसके पास, यू नो. तो और भी बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ जो मैं अभी ऑब्वियसली नहीं कहना चाहती. तो आई वुड वांट टू टेल देम गेट समथिंग न्यू, यू नो, नेक्स्ट सीजन. एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. बाय बाय बाय.